हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीता बिश्नोई। ये ब्यूटीफुल विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, इसका नाम है चाइना एस्टर या फिर इसको डेजी भी कहते हैं। और ये बहुत कलर्स में आते हैं और ये कितनी इंटेंस फ्लावरिंग होती है इसमें, उसकी वजह से ये प्लांट गमले में लगा हुआ, पॉट में लगा हुआ या ग्राउंड पे भी लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लांट्स हैं और फूल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक बार ये खिलते हैं कई दिनों तक रहते हैं, इसकी ये खूबी है। बडिंग इनमें कंटिन्यूस हो रही है और ये धीरे धीरे करके ये पूरा कंटेनर भर जाएगा ऐसी फ्लावर्स से। और इनकी लाइफ काफ़ी होती है फ्लावर्स की, जैसे कई होते हैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट जो बहुत जल्दी बिल्ड करते हैं, इनकी काफ़ी अच्छी लाइफ है। अब इसको देखते हैं लगाते कैसे हैं। ये प्लांट आपको इजीली नर्सरी से मिल जाएगा, करीब 10-12-15 रुपए का चीप मिलते हैं काफ़ी, इनिशियली अक्टूबर में या अर्ली नवंबर में, नवंबर एंड तक भी मिल जाते हैं। अब तो अगर आप लेने जाएंगे, अभी जनवरी एंड हो चुका है, तो आपको ऑलरेडी फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे, वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इनमें फ्लावरिंग बहुत होगी और बहुत दिनों तक होती है और फ्लावर्स की लाइफ भी बहुत होती है, तो मार्च अप्रैल तक इजीली इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। आप जब प्लांट लेके आएँ, छोटा सा प्लांटलेट लेके आएँ, तो इसको वेल ड्रेनिंग सॉइल में लगाएं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लांट रूट रॉट से, जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ज़्यादातर सब रूट रॉट की वजह से ख़राब होते हैं, ओवर वाटरिंग। तो बहुत अच्छा आइडिया होता है कि आप अगर कंटेनर में लगा रहे हैं, इनको स्टैंड पे रखें, पानी इजीली ड्रेन हो जाएगा, पानी चेक करके डालें, जब तक टॉपलेट ड्राई ना हो जब तक ना डालें, और जब आप सॉइल भरते हैं तो इसको काफ़ी ऊपर तक भरें। अगर ज़्यादा इसमें स्पेस होगी तो पानी ज़्यादा कंटेंड होगा गमले में। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें फर्टिलाइज़र। ये जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 3-4 महीने की होती है, तो उसी में इनको ग्रोथ करना, फ्लावरिंग करना, बडिंग करना, सीड मैन्युफैक्चरिंग करना, बहुत सारा काम होता है, तो ये काफ़ी हाई फीडर हो जाते हैं। और अच्छे से अगर इसको आप फर्टिलाइज़ करते रहे तो ये प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग बडिंग दोनों चीज़ें होंगी। उसके लिए मैं जो फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, और ये करीब 10-15 दिन चल जाता है। इसमें मैंने डाल रखा है 100 ग्राम सरसों खली, 100 ग्राम नीम खली और 200 ग्राम के करीब काउडंग मैन्योर, साथ में गुड़ डाल के इसको फर्मेंट किया हुआ है, और इसको डाइल्यूट करके मैं हर विंटर फ्लावरिंग प्लांट में डालती हूँ। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट सारे होते हैं। जो काउडंग मैन्योर है वो नाइट्रोजन रिच होता है, सरसों खली वो माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच होती है। इस फर्टिलाइज़र को आप 15-20 डेज में एक बार डाल सकते हैं, उससे इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। अब एक और पॉइंट है, अगर फ्लावरिंग एनहांस करनी है तो जैसे ही प्लांट में फ्लावर्स पुराने होते जाएं, विल्ट होते जाएं या लीव्स ख़राब होती जाएं, तो सबको आप क्लीन करते रहें। अगर आप स्पेंट फ्लावर्स को निकालते रहेंगे तो इनमें बडिंग और फ्लावरिंग और होती रहेगी, नए नए बर्ड्स जैसे ये आ रही हैं ऐसे आती ही रहेंगी धीरे धीरे करके, तो क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, फ्लावर्स भी, स्पेंट फ्लावर्स भी और लीव्स भी। अगर आपको और भी प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।